ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। पहाड़ों की जिंदगी पहाड़ के जैसी, जी हाँ ये बात 100% सच है। बेशक मौजूदा सरकार अपने स्वास्थ्य सेवा देने की लाख दावे करती जरूर है, लेकिन खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में ये दावे कोसों दूर ही नहीं खोखले साबित हुए हैं। ऐसी ही बानगी देखने को मिली बीते शनिवार यानी 8 फरवरी 2020 को। जनपद चक्राता के गांव कचाणू निवासी देवेंद्र सिंह की पत्नी को डिलीवरी होनी थी, लेकिन जब मौजूदा सरकार की प्रशंसनीय 108 सेवा को परिजनों ने फोन किया तो घंटों तक एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची। तब परिजनों ने थक हार कर पीड़ित महिला को डंडी कंडी के सहारे हॉस्पिटल के लिए निकल पड़े, परंतु जैसे ही महिला को आधे रास्ते ले जा रहे थे तभी महिला का प्रसव शुरू हो गया, जिसके बाद मौके पर जीवन दायिनी कही जाने वाली 108 भी वहां पहुंच गई। तब तक महिला की डिलीवरी हो चुकी थी। गनीमत ये रही कि महिला व बच्चा सही सलामत थे, परंतु हैरानी की बात तो ये है कि प्रदेश भर में ऐसे घटनाक्रम अक्सर होते रहते हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ऐसी घटनाओं से सबक सीखने को तैयार नहीं है। उल्टा विभाग स्वास्थ्य व्यवस्था के चुस्त दुरुस्त होने की बात कहते हुए नजर आता है और स्वास्थ्य सेवा के लिए लाखों रुपए पानी की तरह प्रचार प्रसार के लिए लुटाए जा रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य सेवा की सच्चाई किसी से छुपी नहीं है और स्वास्थ्य सेवा हमेशा ही विफल साबित हुई है, चाहे वह केंद्र की योजना आयुष्मान कार्ड हो या फिर अन्य स्वास्थ्य सेवाएं। हालत ये है कि आज भी प्रदेश भर में लोग स्वास्थ्य सेवाएं सरकारी की बजाय निजी चिकित्सालय में अधिक लेते नजर आते हैं। इसका मुख्य कारण है सरकारी अस्पतालों में उचित स्वास्थ्य सुविधा ना होना। देहरादून से श्रमिक मंत्र के लिए स्टोरी हेड आलोक शर्मा की रिपोर्ट।